कोटाबाग ब्लॉक अंतर्गत चकलुवा के सूरपुर में बनने वाले एथलॉन प्लांट के मानकों की जांच की मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में सूरपुर समेत आसपास के गांवों कालाढूंगी कोटाबाग से तमाम ग्रामीण तहसील पहुंच गए, जिनकी मांग थी कि मानकों की जांच होने तक एथेनॉल प्लांट के काम को बंद कराया जाए। तमाम ग्रामीण एसडीएम कार्यालय के सामने बैठ गए। वही कालाढूंगी पहुंचे एसडीएम शिवचरण द्विवेदी ने ग्रामीणों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी बात पर अड़े रहे। वही एसडीएम रेखा कोहली द्वारा अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर अग्रिम आदेशों तक प्लांट का निर्माण कार्य बंद करने का लिखित आश्वासन दिया गया, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए। कालाढूंगी से मुकेश छिम्बाल की रिपोर्ट। फैक्ट्री की मानकों की जांच को लेकर किया गया था, जिससे शासन प्रशासन हर बार नकार रहा है। तो हम यहाँ पर सब गांववासी दोबारा एकत्र इसीलिए हुए थे कि इसकी मानकों की जांच हो, और जब तक ये जांच पूर्ण नहीं होती फैक्ट्री का कार्य रुकवाया जाए। डीएम साहिबा ने इसमें जांच के आदेश दिए हैं, पूर्व में भी बहुत बार डीएम साहिबा से जाँच के आदेश इसमें देते जा रही है, लेकिन जाँच होने के साथ साथ कार्य रुकना चाहिए। एक साइड कार्य चल रहा है, दूसरी साइड जाँच चल रही है, ये नहीं हो सकता। इस चीज़ की जांच हो रही है तो कार्य रुकना चाहिए। अगर कार्य नहीं रुकता है तो हम लोग सबके सब यहाँ पर कुछ ना कुछ सामूहिक प्रतिभा करने के लिए विवश होना पड़ेगा। मेरे जस्ट रतनपुर से लगते हुए हैं सूरपुर गांव, उसमें एथनॉल की कंपनी लगी है, जो हमारे खेत हमारे फल के जो पेड़ हैं हमारे उसको सब तहस नहस करने का, हमारे बच्चों का भविष्य हमारा कगार में खड़ा है। हम क्या करेंगे, हमारे तो जमीन ना हम बेच सकते हैं ना उसमें फसल कर सकते हैं, हमारे बच्चों को हम कहाँ ले जाएंगे बताइए। हम इसलिए हम प्रशासन से इस मांग को कर रहे हैं कि इस कंपनी को बंद किया जाए। हमारी मांग यह है कि हमारे यहाँ पर एथनॉल फैक्ट्री खोली जा रही है, जिससे हमारे बच्चों को, कल के दिन बच्चे हमारे होंगे, उनके भविष्य के लिए हमें फैक्ट्री बंद करवानी है। अगर हमें क्या कहते हैं, अगर हमारी यहाँ पर सुनवाई पूरी नहीं हो गई तो हम भूख हड़ताल करेंगे और अग्निदहा करेंगे, ये हमारी यहाँ पर मांग है। अगर पूरी नहीं होगी तो आज यहाँ पर जो गांव बचाओ संघर्ष समिति हमारी चकलुआ में एथेनॉल प्लांट के शुरुआत में यहाँ पे आज सामूहिक आत्मदाह की उनके द्वारा चेतावनी दी गई थी, जिसके क्रम में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था। और इनके साथ जो हमारी वार्ता हुई है, इनके द्वारा ये चाहा गया है कि हम इनके जिलाधिकारी महोदय के साथ बैठकर 8 या 10 बिंदुओं पर दोबारा से जांच कराई जाए। वो मैं जो लेटर है जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर रही हूँ, और जैसे भी समय मिलेगा मैं उनकी वार्ता ये मैडम की और ग्राम बचाओ संघर्ष समिति की वार्ता है तो समय निश्चित करके उनको बता दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पे हमारे एसओ कालाढूंगी द्वारा एक रिपोर्ट मुझे दी गई है कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खराब हो सकती है, इसके रिगार्डिंग मेरे द्वारा जो एथेनॉल प्लांट है अग्रिम आदेशों तक उसमें रोक लगाई गई। जो सूरपुर में प्रस्तावित एथेनॉल का प्लांट है उसके मानकों की जांच की जाए, तो आज लड़ाई यहां तक पहुंची है। और आज एसडीएम मोदी ने जब तक जांच पूरी नहीं होती है गाँव वालों की मांग मानी है, और जब तक ये जांच इसके मानकों की नहीं होती है तब तक इस प्लांट का कार्य रोका जाए।